हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की बीहाइव बुक से थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एक छोटी लड़की है वो अपने फादर को काफ़ी डेंजरस मानती थी, एज अ जाइंट मानती थी, बट लास्ट में उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। अगर पेरेंट्स की बात करें तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पनिश करता है तो उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए। तो यही हमारी थीम है चैप्टर की, यही मोरल हमें मिलती है यहाँ चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। तो देखिए, क्या कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जब कभी आप यंगर हुआ करते थे उससे ज़्यादा आप अच्छा समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ दियर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। शायद अब आप अच्छे से समझते होंगे कि आपके पेरेंट्स जो हैं इस तरह से काम क्यों किया करते थे जिससे आप पहले अपसेट हो जाया करते थे। क्योंकि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनकी फीलिंग्स को या उनकी जगह जब हम होते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि सिचुएशंस क्या रही होंगी, क्यों हमें डांटा गया होगा। तो यही आपकी स्टोरी है, जानते हैं स्टोरी के बारे में। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है ये जो स्टोरी है इसमें छोटी सी लड़की है जिसकी फीलिंग अपने फादर को लेकर बदल जाती है। मतलब पहले वो डरती थी, फिर वो उन्हें समझने लग जाती है। शायद ये सभी के घरों में होता है, ये जानते हैं हम, स्टोरी को पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। देखिए, फिगर टू बी फियर्ड का मीनिंग यहाँ पर भी दिया गया है, ए पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा इंसान जिसे डरा जाता है। तो एक छोटी लड़की है, उनके लिए उसके पिता की बात हो रही है, वो एक ऐसे पर्सन थे जिससे वो डरती थी और उन्हें अवॉइड भी किया करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो देखिए, हर रोज़ जब वो काम पे जाते थे तो वो उसके कमरे में आते थे और उसे एक किस किया करते थे। टू विच ही रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके बदले में वो कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, कैसे रिएक्ट करती थी, वो गुड बाय कह के बोलती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन ही हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटियर एंड फेंटियर डाउन द लॉन्ग रोड। तो देखिए, फेंटियर एंड फेंटियर का मतलब होता है धीमे पड़ जाना, दूर जाते जाना, यहाँ पर सेंसेस की आएगी। तो देखिए, काफ़ी रिलीफ फील करती थी जब वो सुनती थी कि पिताजी की जो गाड़ी है वो दूर चली जाती जा रही है उस सड़क पर, यानी कि वो घर से दूर जा रहे हैं, अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं होगी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर द लाउड वॉइस इन द हॉल। तो देखिए, जब वो आते थे, यानी कि जब इवनिंग में वो वापस आते थे तो उसे तेज आवाज़ सुनती थी और वो स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी के जीने के पास खड़ी हो जाती थी और उस आवाज़ को सुनती रहती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, कहती थी कि कहते थे वो चिल्लाकर कि मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में ले आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। तो देखिए, वो अपनी माँ से कहते थे कि मदर जाकर देखो कि पेपर बाहर है क्या और मेरे स्लीपर्स ले आओ। यानी कि हम पहले यहाँ पर फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। केजिया इज़ अ लिटिल गर्ल, केजिया है जो एक छोटी लड़की है, उसके फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है और एक कुक की यहाँ पर बात की गई है, ये सभी हैं फैमिली में। तो चलो आगे पढ़ते हैं। केजिया मदर वुड कॉल हर इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट। तो देखिए, केजिया की मदर उसे कहा करती थी कि तुम अगर एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जूतों को उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम। तो देखिए, लड़की जो है धीरे से स्टेयर्स से सीढ़ियों से नीचे आती थी और जब वो हॉल को क्रॉस करती थी तो और भी धीरे चलती थी और पुश करके दरवाजे को, ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो देखिए, अब जो पिताजी थे उनकी आंखों के ऊपर चश्मे होते थे और वो चश्मे से ऊपर से ऐसे देखते थे कि लड़की पहले से डरी हुई है, वो और भी ज़्यादा डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड। तो क्या कहते थे,
ठीक है केजीआर, जल्दी करो, जल्दी से आओ, जूते उतारो और उन्हें बाहर की तरफ रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे, और पूछते थे कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही, यानी कि तुमने अच्छा काम किया। डिड आई डिडंट नॉट नो, तो देखिए वो बोलती थी यानी कि हक ला जाती थी अपने पास फादर को देखकर, कहती थी मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि क्या मैंने अच्छा काम किया, मैं अच्छी लड़की बनी रही। यू डिडंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो देखिए वो कहते थे कि अगर तुम इस तरह से हक लाओगी, अभी तुमने ऐसे बोला, अगर तुम इस तरह से हक लाओगी, स्टटर का मतलब होता है हक लाना, तो देखिए माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up. तो देखिए वो किसी और के सामने बिल्कुल भी नहीं हकलाती, वो उन्हीं को देखकर हकलाती थी, ठीक है। But only with father, यानी कि पिता के सामने ही वो हकलाती थी, because then she was trying too hard to say the word properly, क्योंकि वो जो है मुश्किल से कोई शब्द सही से कह पाती थी, वो बोल ही नहीं पाती थी उनके सामने। What is the matter? What are you looking so wretched out? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो देखिए अब वो अपनी माँ से, अब वो कहती हैं क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो, इस तरह से अनहैप्पी, रैच का मतलब होता है अनहैप्पी, इतनी नाखुश होकर क्यों देख रही हो। वो कहते थे अपनी मदर को कि तुम्हें इसे सिखाना पड़ेगा कुछ, ये तो ऐसी हो रही है जैसे कि सुसाइड करने वाली है, इसको कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी वो केजिया से कहते हैं कि जल्दी करो, ये टीकप उठाओ यहाँ से और टेबल पर इसको केयरफुली रख दो वापस। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही येन, तो देखिए जब वो ऊँगा करते थे, जम्हाई लेते थे, तब तो उनका मुँह फेस काफ़ी बड़ा दिखता था, उनके हाथ भी काफ़ी बड़े थे, नेक काफ़ी बड़ी थी, तो काफ़ी बड़े से थे, मतलब केजिया को ऐसा लगता था जैसे कि वो एक जाइंट है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, तो मतलब वो उन्हें अकेले में जब सोचा करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एक जाइंट दिखते, एक दैत्य है, बहुत बड़ा सहकार है उनका। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, तो देखिए संडे के दिन क्या होता था, मदर ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती थी कि जाओ तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मदर फादर से अच्छे से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो देखिए क्या होता था, जब लड़की नीचे आती थी तो हमेशा वो पाती थी कि उसकी मदर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, उसके पिताजी सोफे पर फैले हुए लेटे रहते थे और उसका उनका जो रुमाल था, हैंकरचीफ मीन्स होता है रुमाल, उनका जो रुमाल था वो उनके फेस पर रहता था और उनका एक अच्छा सा कुशन उनके पैरों के नीचे होता था और वो काफ़ी स्नोरिंगली साउंडली सोते रहते थे। देखिए यहाँ पर आप यहाँ व्यू देख सकते हैं किस तरह से केजिया यहाँ पर स्टेयर्स के पास खड़ी हुई है, उसकी मदर रीडिंग कर रही है, उसके पापा जो है वो फैले हुए सो रहे हैं, फेस के ऊपर एक हैंडकरचीफ है और एक कुशन उनके पैरों के नीचे है जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है। सी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। तो देखिए वो तब तक स्टूल पर बैठी रहती थी बड़ी गंभीरता से, ग्रेवली मतलब गंभीर सी होकर देखती रहती थी जब तक वो जाग नहीं जाते थे और वो उठकर टाइम नहीं पूछते थे। डोंट स्टियर सो केजिया यू लुक लाइक एन लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो देखिए वो उसे ये भी कहते थे कि ये इस तरह से मत देखो, तुम तो बिल्कुल एक ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो, छोटा सा आउल होता है जैसे। वन डे वैन ही वॉज केप्ट इनडोर विद अ कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन वो घर के अंदर ही रहती है क्योंकि उसे कोल्ड हो रखी थी, तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ द ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और वो उसे ये भी सलाह देती है कि तुम्हें एक अच्छा सा पिन कुशन येलो सिल्क से उनके लिए बना सकती हो। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, तो देखिए वो कॉटन को भी यूज़ करते हुए तीन साइड्स को उसके सिल देती है, पिनकुशन बनाना शुरू कर देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसके सामने क्वेश्चन था, दैट वॉज द क्वेश्चन कि वो उसमें फिल क्या करे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर थी गार्डन में एंड शी वॉज वंडर्ड
इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो ढूंढते ढूंढते अपनी मदर के रूम में पहुंच जाती है कि स्क्रैप्स मतलब कटी फिटी चीज़ें, कतरन जिन्हें हम कहते हैं, वो मिल जाए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टिनी पीसेस एंड स्टफ हर केस, देन स्वीट अप द फोर्थ साइड। अब तीन साइड तो उसने ऑलरेडी सिल रखी थी, अब वो क्या करती है कि वो पहुंचती है बेड टेबल के पास जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी शीट्स मिलती है पेपर की, काफ़ी अच्छी सी। वो उन्हें इकट्ठा करती है, उनको फाड़ती है और उनके टुकड़े करके उसके अंदर केस के अंदर भर देती है और फोर्थ साइड को सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन दो इन द हाउस। अब घर में पूरा शोरगुल मचा हुआ था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि जो एक स्पीच लिखी गई थी फादर के द्वारा पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो मिस थी। रूम्स वर सर्च, कमरों में ढूंढा जा रहा था। सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से सवाल पूछे जा रहे थे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में उसकी माँ उसके कमरे में आती है। केजी, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन योर रूम, कि मुझे लगता है कि तुमने तो कुछ पेपर्स नहीं देखे होंगे तुम्हारे कमरे में। ओ यस सी सैड, उसने कहा हाँ बिल्कुल देखे हैं। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उन्हें फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, उसकी माँ चिल्लाती है और कहती है कि सीधा जल्दी से डाइनिंग रूम में आओ इसी समय। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड बैक, और उसे सीधा घसीट कर वहाँ लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसके जो पिता थे वो आगे पीछे घूम रहे थे अपने हाथ को बांधे हुए। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, तो खैर पता चल गया था, माँ ने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुक जाते हैं और बच्ची के ऊपर घूरने लगते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो 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 सी वेस्पर्ड, वो धीरे से बुदबुदाते बोलती है हकलाते हुए, नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग सी दैट द चाइल्ड पुट टू बैड दिस इंस्टेंट। अब वो अपनी मदर को कहते हैं कि माँ तुरंत ऊपर जाओ, इस बच्ची को लेकर जाओ यहाँ से और वो चीज़ ले आओ जो बेकार सी चीज़ इसने बनाई है, और बच्ची को तुरंत बैड पर ले जाओ। उसे बोल दिया जाता है कि तुम यहाँ से जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो देखिए बच्ची काफ़ी चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, और वो जब रूम में जाती है तो वहाँ से शेडो आ रही होती है बाहर से, तो सैड सी लगती है वो शेडो भी उसको। देन फादर केम इन टू द रूम, फिर पिताजी कमरे में आते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक रूलर होता है यानी कि उसे पीटने के लिए एक स्टिक भी होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और कहते हैं कि मैं तुम्हें इस काम के लिए जो तुमने किया है पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो सी इज क्रैम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, कपड़ों के नीचे छिप जाती है वो और चिल्लाती है कि नहीं नहीं। शी पुल्ड देम असाइड, अब पिताजी क्या करते हैं उसके पूरे कपड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर, उसे ऑर्डर करते हैं कि सीधी बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को फैला लो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल not to touch what does not belong to you। तो देखिए वो कहती हैं कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो कहती है कि वो तुम्हारे बर्थडे के लिए है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसकी गुलाबी हथेलियों पर रूलर पड़ता रहता है। आवर्स लेटर वैन ग्रैंड मदर had wrapped her in a shawl and rocked in her rocking chair. The child clung means होता है चिपक जाना to her soft body. तो देखिए अब क्या होता है, उसके हाथ पर रूलर पड़ते रहते हैं। घंटों बाद जब ग्रैंड मदर उसके पास आती है, उसे शॉल में लपेट लेती है और रॉकिंग चेयर पर उसे झुलाने लग जाती है, तो बच्ची उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक जाती है। What did God made father for? ही सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकते हुए। वो सिसकते हुए कहती है कि भगवान ने पिताजी को बनाया ही क्यों है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, अब उसकी ग्रैंड मदर उसे साफ हैंकी देते हुए कहती है कि अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पैट, और उसे कहती है कि तुम सोने चले जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज
टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो देखिए वो कहती है, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की थी लेकिन आज रात वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट थे, यानी कि सुनने के मूड में वो नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची उस बात को कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड बैक एंड रेड कलर फ्लू इन टू हर चिक्स। अगली बार से जब कभी भी वो अपने पिता को देखती है, अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लेती है और उसके गाल एकदम से लाल हो जाती हैं। अब वो बताती है अपने पड़ोसी के बारे में। यहाँ पर देखिए उसके पड़ोसी के बारे में बताया गया है, द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब एक मैकडोनाल्ड नाम के पर्सन है जो उनसे अगले वाले घर में रहते हैं। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पाँच बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग्स इवनिंग। टैग क्या होता है? अ चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग ऑफ वन अनदर को, मतलब एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं। तो देखिए, लुकिंग थ्रू द गैप ऑफ द फेंस, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, चार दीवारी के बीच में एक गैप था, वहाँ से वो देखती है कि ये सब क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं इवनिंग में। द फादर विद द बेबी, जो पिता थे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। माओ, उनमें एक बच्चे का नाम माओ बताया गया है। ऑन हिज शोल्डर टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड। तो देखिए फूलों की क्यारियाँ भी थी वहाँ पर, एक बच्चा तो उनके शोल्डर पर बैठा हुआ था और दो लड़कियों ने उनकी पॉकेट को पकड़ा हुआ था और वो गोल गोल घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, मतलब काफ़ी खुश थे वो, हंस रहे थे। वन सी सा द बॉय टर्न द होज, होज मीन्स होता है वाटर पाइप ऑन हिम। एक बार उसने देखा कि लड़की ने पानी की पाइप को उनके ऊपर चला दिया। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उन्हें हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट शॉर्ट ऑफ फादर। तभी केजिया डिसाइड करती है, सोचती है कि कई तरह के पिता होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब बुरे ही होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन क्या होता है, केजिया की माँ बीमार हो जाती है तो ग्रैंड मदर को और उनकी माँ को हॉस्पिटल जाना होता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। एलिस मैंने जैसे कि पहले बताया था, कुक था उनका। तो देखिए लड़की को, लिटिल गर्ल को एलिस के साथ, जो कुक था उसके साथ रहना पड़ता है घर पे अकेले। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब दिन के समय में तो सब कुछ सही रहता है। देखिए यहाँ पर आप मैकडोनाल्ड को देख पा रहे हैं, उनके पांच बच्चे हैं, वो किस तरह से खेल रहे हैं ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर केजिया जो है दीवार के बीच से देख रही है। बट व्हाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली आफ्टर, लेकिन जैसे ही एलिस उसे बेड पे सुलाता है तो वो अचानक से डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। नाइट मेयर मीन्स होता है अ बैड ड्रीम या डेंजरस ड्रीम भी हम कह सकते हैं। तो वो कहती है कि क्या होगा जब मुझे डरावना बुरा सपना आएगा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, वो कहती है कि अचानक अक्सर मुझे नाइट मेयर्स आते हैं। दैन ग्रैनी टेक मी इन टू हर रूम इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क। तो वो कहती है कि तब जो मेरी ग्रैंड माँ है वो मुझे अपने बेड पर ले जाती है और मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परिंग, तो मतलब वो धीरे धीरे से बोलती है, वो कहती है कि मुझे डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस कहते हैं बच्चे अभी तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ योर सॉक्स, अपनी सॉक्स को उतार दो। एंड डोंट यूज क्रैम एंड वेक योर पुअर पा। तो देखिए वो कहती है कि चिल्लाना मत जिससे कि तुम्हारे पापा जो है बेचारे वो सोए हुए हैं काम करके, वो ना जाग जाए। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर्स केम, लेकिन वही पुराना सपना उसे आता है। द बक्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई दिखाई उसे देता है जिसके हाथ में नाइफ है, रोप है, चाकू है, रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, वो उसके पास पास आता चला जाता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल नाइट, काफ़ी भयानक उसकी स्माइल है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वह हिल नहीं पाती है। सी ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, तो वो बिल्कुल खड़े हुए रोने लग जाती है। ग्रैंड माँ अपनी दादी को बुलाती है। शी वॉक्स शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। तो देखिए वो कांपते हुए उठती है, वो क्या देखती है, उसके पिता उसके बराबर में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उसके पिता पूछते हैं क्या हुआ। ओ बक्चर अ नाइफ आई वॉन्ट, ग्रैनी बताती है कि मुझे कसाई दिखाई दे रहा है, चाकू दिख रहा है, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए। सी ब्लू ऑफ कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं, बेंट डाउन नीचे झुकते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपने बाहों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पासेस टू द बिग बेडरूम, वो एक गली मीन्स एक गैलरी से ले जाकर उसे अपने बड़े कमरे में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड,
बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक तरफ किया, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बच्चे को बहुत ही ध्यान से लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बराबर में ही लेट जाते हैं। हाफ स्लीप स्टिल विद अ बक्चर स्माइल एंड ऑल अबाउट हर इट सीम, तो देखिए तभी वो सोई भी नहीं थी, उसे वही बक्चर नाइफ वो स्माइल दिखाई देने लगती है। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के बिल्कुल पास में खिसक जाती है। स्नगल्ड हर हार्ड अंडर हिज आर्म, स्नगल का मतलब होता है मूव टू इन टू अ वन कम्फर्टेबल पोजिशन क्लोज टू द अनदर पर्सन, ठीक है। स्नगल का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन के पास आ जाना। तो देखिए वो उसके आर्म मतलब अपने सिर के नीचे उसके आर्म को रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पिता की शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर सी ले स्टिल, अब डार्क जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, अब वो जो है बिल्कुल आराम से लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दैम वॉर्म सेड फादर, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है अपने पैरों को मेरे पैरों से रब करो और इन्हें वार्म करो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब पिताजी जो है काफ़ी थके हुए थे, वो लड़की से पहले ही सो जाती हैं। अ फनी फीलिंग कम ओवर हर, अब उसके लिए उसकी जो फीलिंग है अपना अपने पिता के लिए वो चेंज हो रही है। पुअर फादर नॉट सो बिग, वो कह रही है कि जैसा बिग मैं उन्हें समझती थी ऐसे वो नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो कह रहे हैं कि मतलब उनकी कोई देखभाल ही नहीं करता है, वो बेचारे पूरे टाइम करते ही काम ही करते रहते हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ये भी सोच रही है कि वो ग्रैंड मदर से तो हार्डर हैं, बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन सोच रही है कि अच्छी है उनकी हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्राई टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, तो देखिए यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रही है अपने पिता का और मिस्टर मैकडोनल्ड का, कहती है कि उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत थक जाते हैं, वो बेचारे कैसे मैनेज कर सकती हैं सारी चीज़ें। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वो ये भी सोच रही है रियलाइज़ कर रही है कि किस तरह से उसने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। सी स्टूड सडनली, अचानक से वो हिलती है हलचल होती है एंड साइन और तेज़ सांस लेती है। वॉट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर, तभी हिलते ही उसके पिता पूछते हैं क्या हुआ। अनदर ड्रीम, फिर से सपना आया, कोई दूसरा सपना। ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हेड हेड्स ऑन योर हार्ट, कहती है कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कहती है कि तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। फादर डियर, अपने पिता को कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें मोरल मिलती है वो इसलिए मिलती है, जो पेरेंट्स होते हैं फादर होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि उन्हें बच्चों को पनिश करना होता है, और उनके लिए वो ज़रूरी होता है जिससे कि वो कुछ सीख सकें। तो ऐसा ही इस स्टोरी में शो किया गया है, लेकिन बाद में जो बच्ची है वो अपनी फीलिंग को समझती है, पिता की फीलिंग को समझती है, क्यों वो पनिश करते हैं ये सारी चीज़ें समझने लग जाती है। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर ऐसी ही वीडियोस कुछ और आप देखना चाहते हैं, अपने टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।